ये उनका काम है। आज राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं मोहब्बत का दुकान चलता हूँ। या तू मोहब्बत का दुकान चलाता है तब जाके गोल्डन टेम्पल में माफी मांगो। क्यों गोल्डन टेम्पल में तुम्हारा पुलिस और तुम्हारा आर्मी ने गोलाबारी फेंका था। आज तुमको अगर मोहब्बत का दुकान ही चलाना है तो जाके हमारा दिल्लियों का 3000 सिख फैमिलियों में माफी मांगो। किसने तुम्हारा फैमिली का लोग जो प्रधानमंत्री था उस समय वही लोगों का ऊपर कैसा तुमने अत्याचार किया था वो भी याद करो। फिर तुम्हारा शोषण तुम्हारा मोहब्बत का दुकान का कस्टमर कौन बनना सके। आज राहुल गांधी बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूँ। यार भाई तुम ही लोग भारत में नफरत लाया, तुम ही लोग भारत का माहौल हिंदू लोगों का विरोध में बनाया, तुम ही लोग आज भारत का माहौल खराब कर रहा है। और तुम बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूँ। भाई तुम्हारा दुकान में कोई कस्टमर नहीं जाएगा। तुम्हारा मोहब्बत का दुकान तुम्हारा घर में रखो। वो मोहब्बत का दुकान से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो मोहब्बत का दुकान नहीं चलाता हूँ। हमारा देश अगर वही व्यक्ति बोल देता था कि मुसलमान धर्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कितना बवाल बना देता था ये कांग्रेसी लोग। लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेगा, बोलने दो। किसलिए? हिंदू सर्तन जुदा करने नहीं जानते हैं। हिंदू सबको प्यार करता है, हिंदू सबका साथ मिलकर रहता है। इसीलिए आप हिंदू का खिलाफ बोलो और हम लोग को चुपचाप सहनते रहेगा। और फिर हिंदू का पास आके ही दो एक बार मंदिर जाने का नाटक करो। और हिंदू का सारा देश में एक हमारा सनातन विरोधी माहौल बना। ये अलायंस का एक सरकार चलता है तमिलनाडु में, इस सरकार का नेतृत्व करता है डीएमके और वो सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। वो सरकार का मंत्री ने बोला कि हमारा हिंदू जो धर्म है सनातन धर्म है वो मलेरिया जैसा है। फिर जाके एक मंत्री था राजा बोल के उन्होंने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म एक जैसा है। फिर आगे देके जाके उनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष है आज का दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म का गांधी जी का जो दोस्त लोग है वो लोग बोल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म एड्स है, हमारा हिंदू धर्म मलेरिया है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, आप अगर वो लोग का साथ नहीं है तो आपका गठबंधन से आप डीएमके को बाहर कर दीजिए। कांग्रेस क्या बोलता है? कांग्रेस बोलता है नहीं नहीं, ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बातें बोलने का अधिकार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, अगर राहुल बाबा ये बात कोई मुसलमान के लिए बोलता था आप क्या यही बात बोलता था? अगर मुसलमान का खिलाफ एक भी कांग्रेसी बोलता था तो आप उनको पार्टी से तुरंत बाहर कर देता था। लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला आपसे तुरंत बाहर कर देता था। लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला आपने कुछ नहीं बोला। किसलिए? आप भी खुद ये षड्यंत्र में शामिल है हिंदू को बर्बाद करने के लिए। हमारा संस्कृति हमारा सभ्यता को बर्बाद करने के लिए वो जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र में खुद गांधी फैमिली खुद इन्वॉल्व है। वही लोगों का इशारा में आज लोग सनातन और हिंदुओं का खिलाफ बोलने के लिए। हमारा भारत विश्व गुरु बनने का तरफ जा रहा है। आज आप लोग खुद देखा है जो बड़ा बड़ा देश संग्रह तक जा नहीं पहुंचा है वहाँ भारत का संग्रायन पहुंच चुका है। जब हमारा आज प्रधानमंत्री जी को नई दिल्ली में हमारा G20 का शामिल हुआ, जैसे जैसे राष्ट्र का नेताओं ने विदेशी राष्ट्र का नेताओं ने जैसा सम्मान प्रदर्शित किया वो देख के हमारा सीना
गर्व से ऊंचा हो जाते हैं। इसीलिए आज हमारा दायित्व है कि हम लोग सब मिलके मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सरकार बनाना है और आगे जाके प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा बार हमारा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना चाहिए। मैं हमारा मध्य प्रदेश का पूरा हमारा जनगण को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश जब नरेंद्र मोदी जी एक नया उत्साह में ले जाने का कोशिश कर रहा है और उसका रिजल्ट भी हमको देखने का हम देख रहा हूँ, उसी समय एक कांग्रेस ने नया गठबंधन बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया कोई इंडी पिंडी मिंडी अलायंस, और अच्छा से मेरा नाम भी याद नहीं होता है, अलायंस बना लिया। और अलायंस बनाने का बात वो लोग बोलना शुरू किया कि अभी हम इंडिया हो गया इसलिए हम चुनाव जीत जाएगा। आप उसको बोलिए अगर हम कल महात्मा गांधी का नाम ले लूंगा तो मैं महात्मा गांधी बन सकता हूँ क्या? कल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, मैं क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाऊंगा? लेकिन ये जब अलायंस हुआ, ये अलायंस होने का बाद क्या शुरू हुआ, सारा देश में एक हमारा सनातन विरोधी माहौल बना। ये अलायंस का एक सरकार चलता है तमिलनाडु में, इस सरकार का नेतृत्व करता है डीएमके और वो सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। वो सरकार का मंत्री ने बोला कि हमारा हिंदू जो धर्म है सनातन धर्म है वो मलेरिया जैसा है। फिर जाके एक मंत्री था राजा बोल के, उन्होंने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म एक जैसा है। फिर आगे जाके उनका जो कांग्रेस का अध्यक्ष है आज का दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोलना शुरू किया कि हिंदू धर्म का कोई हैसियत नहीं है। आज आप लोग खुद सोचिए, आज भारत का 80% लोग हिंदू है, ये हमारा भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता और पूरा भारत का जो आज विकास है ये हिंदू लोगों का वरदान है और हिंदू ने ही हमारा भारत को ये खूबसूरती दिया है। और वही हिंदू का ऊपर, वही सनातन का ऊपर राहुल गांधी जी का जो दोस्त लोग है वो लोग बोल रहा है कि हमारा हिंदू धर्म एड्स है, हमारा हिंदू धर्म मलेरिया है। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूँ, आप अगर वो लोग का साथ नहीं है तो आपका गठबंधन से आप डीएमके को बाहर कर दीजिए। कांग्रेस क्या बोलता है? कांग्रेस बोलता है नहीं नहीं, ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बातें बोलने का अधिकार है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ, अगर राहुल बाबा ये बात कोई मुसलमान के लिए बोलता था, आपका यही बात बोलता था, अगर मुसलमान का खिलाफ एक भी कांग्रेसी बोलता था तो आप उनको पार्टी से तुरंत बाहर कर देता था, लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला, आपने कुछ नहीं बोला। किसलिए? आप भी खुद ये षड्यंत्र में शामिल है, हिंदू को बर्बाद करने के लिए, हमारा संस्कृति हमारा सभ्यता को बर्बाद करने के लिए वो जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र में खुद गांधी फैमिली खुद इन्वॉल्व है। वही लोगों का इशारा में आज लोग सनातन और हिंदुओं का खिलाफ बोलने के लिए साहस कर रहा है। भाई और बहनों, आप एक बार सोचिए, अगर वही व्यक्ति बोल देता था कि मुसलमान धर्म ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कितना बवाल बना देता था ये कांग्रेसी लोग। लेकिन हिंदू का खिलाफ बोला, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेगा, बोलने दो। किसलिए? हिंदू सर्तन जुदा करने नहीं जानते हैं, हिंदू सबको प्यार करता है, हिंदू सबका साथ मिलकर रहता है, इसीलिए आप हिंदू का खिलाफ बोलो और हम लोग को चुपचाप सहनते रहेगा और फिर हिंदू का पास आके ही दो एक बार मंदिर जाने का नाटक करो और हिंदू का भोग लो, ये उनका काम है। आज राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं मोहब्बत का दुकान चलता हूँ, यार तू मोहब्बत का दुकान चलाता है
तक जाके गोल्डन टेम्पल में माफी मांगो। क्यों गोल्डन टेम्पल में तुम्हारा पुलिस और तुम्हारा आर्मी ने गोलाबारी फेंका था। आज तुमको अगर मोहब्बत का दुकान ही चलाना है तो जाके हमारा दिल्लियों का 3000 सिख फैमिलियों में माफी मांगो। किसने तुम्हारा फैमिली का लोग जो प्रधानमंत्री था उस समय वही लोगों का ऊपर कैसा तुमने अत्याचार किया था वो भी याद करो, फिर तुम्हारा शोषण तुम्हारा मोहब्बत का दुकान का कस्टमर कौन बनना सकते। आज राहुल गांधी बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूँ। यार भाई तुम ही लोग भारत में नफरत लाया, तुम ही लोग भारत का माहौल हिंदू लोगों का विरोध में बनाया, तुम ही लोग आज भारत का माहौल खराब कर रहा है और तुम बोलता है मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूँ। भाई तुम्हारा दुकान में कोई कस्टमर नहीं जाएगा, तुम्हारा मोहब्बत का दुकान तुम्हारा घर में रखो, वो मोहब्बत का दुकान से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो मोहब्बत का दुकान नहीं चलाता हूँ, हमारा देश प्यार और मोहब्बत का ऊपर ही चलता था, चलेगा और आगे भी चलते रहेगा। ऐसा ही ऋषि और मिनि मुनि उसे हमने सीखा है और यही सीख लेके हम आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, देश में हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात बताता हूँ तब कांग्रेस नाराज हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक हस्बैंड होगा उनका क्या साल साल वाइफ होता है, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है क्या? अगर हमारा माँ का और 3 सेकेंड घर में ही बैठा रहता है वो घर में कोई परिवेश होता था क्या? तो इसीलिए हम लोग बोलता हूँ भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना पड़ेगा और एक मर्द को एक ही वाइफ लेने का अधिकार होगा। ऐसे दो दो तीन तीन वाइफ बनाने का जो शौक है वो शौक भारत में नहीं चलेगा। ये हमें क्लियर मैसेज कांग्रेस वाला को देना है। मैं कांग्रेस वाला को बोलना चाहता हूँ, भाई आप लोग ये गलत काम में क्यों हमेशा हाँ हाँ करते रहते हो? आप क्यों भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने क्यों नहीं देते हो? आज आप भारत में जब हम बोलते हो कि मुसलमान बेटा बेटी को आप पढ़ने दो, तब आप तब उनको क्यों बोलते हो कि आप लोग हिजाब पहन के ही कॉलेज में जाओ? हमें एक ही यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मतलब हर स्टूडेंट का ड्रेस एक जैसा होना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये तमाम जो सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत का आप विरोध करेगा। फिर जब मध्य प्रदेश का चुनाव होगा वो चुनाव का समय आप मंदिर आएगा और बोलेगा मैं तो हनुमान का भक्त हूँ। भाई अगर हनुमान का भक्त है तो अपना जब बर्थडे करता है तब लड्डू खाया करो, केक क्यों काटते हो? और केक के ऊपर हनुमान का फोटो भी लगा देते हो और केक को भी काटते हो, मतलब आप हनुमान को ही काट रहे हो और खुद बोलते हैं मैं हनुमान का भक्त हूँ। अरे हनुमान जी भी अभी सुन रहा है, हनुमान जी का भी मन में ऐसा होगा कि भगवान श्री राम मुझको इतना शक्ति दीजिए, मेरा ऐसा भक्त ना बनना चाहिए, ऐसा भक्त मुझको नहीं चाहिए। जो भक्त का पार्टी ने अपना श्री राम का ही मंदिर बनने नहीं देता है वो पार्टी, तो ये लोगों का ड्रामा है, ये लोगों का नाटक है। तमिलनाडु में आप हिंदू का विरोध करेगा, असम में जाके हिंदू का विरोध करेगा, आप उत्तर प्रदेश में जाके राम मंदिर का विरोध करेगा और मध्य प्रदेश में आके आप हनुमान भक्त बनेगा। ये राजनीति भाइयों और बहनों आप लोग सामने मत दीजिए। आप लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को हाथ आप लोग शक्तिशाली कीजिए, शिवराज चौहान जी का हाथ को शक्तिशाली कीजिए और आने वाला चुनाव में आप लोग भारतीय जनता पार्टी को दोबारा आप लोग वोट दीजिए और हमारा सरकार बनाइए। हमें इतना ही चाहिए, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, साथ साथ हमारा देश का भी विश्व गुरु बनना चाहिए और यही सपना को आगे रख के हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। यही मैं आप लोग से निवेदन करूंगा और यही दो सब बताते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा मेरा साथ बोलिए, भारत माता की।
भारत माता के। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत बिस्वा जी। अब इसके बाद मैं आभार ज्ञापित करने के लिए कटनी नगर पालिक निगम की मांग। रात में जब शिवराज जी को मैं फोन में मिलूंगा और आगे जाके उनका साथ मेरा मुलाकात भी होगा, विधायक जी ने मुझको रिक्वेस्ट किया है कि मुख्यमंत्री जी को बोलना सही है यहाँ का मेडिकल कॉलेज के लिए, मैं जरूर बोलूंगा और मेरा भी ये विश्वास है मैं मिलूंगा तो 1% आपका डिमांड में वो भी इजाफा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।